हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार टॉप 10 क्लासेज के क्रैश कोर्स में। जैसा कि कल हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन एंड ऑफ पॉलन ग्रेन पिस्टल इंट्रैक्शन, इन सब के बारे में कल हम लोग पढ़ लिए थे। आज जो हम लोगों का टॉपिक है वो है हम लोगों का फर्टिलाइजेशन। क्या है फर्टिलाइजेशन? जिसे हम लोग बोलते हैं निषेचन। तो आइए हम लोग निषेचन के बारे में जानते हैं। निषेचन क्या होता है? जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों एक दूसरे से संलयित होकर जायगोट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। और फर्टिलाइजेशन जंतु में भी होता है, पादम में भी होता है। तो जो हम लोगों का चैप्टर है वह है पुष्पी पादम में लैंगिक जनन। तो हम लोगों को यह जो फर्टिलाइजेशन पढ़ना है यह पुष्पों में पढ़ना है। तो आइए हम लोग पुष्पों में फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं। तो जो फर्टिलाइजेशन में पहले हम लोगों को एक नर युग्मक जिसे हम लोग बोलते हैं मेल गैमेट, फिर जो दूसरा होता है वो होता है मादा युग्मक जिसे हम लोग बोलते हैं फीमेल गैमेट। तो गाइस, निषेचन में हमें दो युग्मकों की आवश्यकता होती है। एक होता है नर युग्मक, दूसरा होता है मादा युग्मक। तथा इनसे यह नर युग्मक आता है, इनसे मादा युग्मक आता है। जब दोनों फ्यूज को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं संलयन। जब दोनों फ्यूज करते हैं, संलयन करते हैं, तो संलयन की क्रिया के पश्चात जायगोट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं युग्मनज। तो गाइस, यह हो गया हम लोगों का निषेचन का स्ट्रक्चर कि निषेचन वह प्रक्रिया होता है जिसमें नर युग्मक व मादा युग्मक फ्यूज करके जायगोट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। निषेचन में नर युग्मक व मादा युग्मक मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट आफ्टर दैट फ्यूज जायगोट का निर्माण होता है। तो गाइस, अब हम लोग पुष्पी पादम में निषेचन पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पादम में जो हम लोगों का नर गैमेट होता है वो होता है पोलन ग्रेन। गाइस, जो हम लोगों का पुष्पी पादम में होता है नर युग्मक वो होता है पोलन ग्रेन, और जो मादा युग्मक होता है यह होता है एग या ओवम। गाइस, इसको हम लोग बोलते हैं पराकण, इसको बोलते हैं अंडाणु। तो गाइस, यह जो हम लोगों का पूरा स्ट्रक्चर बना है यह है निषेचन का। निषेचन वह प्रक्रिया होती है जिसमें एक नर युग्मक व मादा युग्मक आपस में संलयन की क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करते हैं, उसे हम लोग निषेचन कहते हैं। अब हम लोग पुष्पी पादम में निषेचन पढ़ रहे हैं। तो पुष्पी पादम में हम लोगों का जो नर युग्मक होता है वह होता है पोलन ग्रेन को हिंदी में बोलते हैं परागकण, और जो हम लोगों का मादा युग्मक होता है वह होता है एग। अब ये दोनों आपस में फ्यूज करेंगे, आपस में संलयन की क्रिया करेंगे, संलयन की क्रिया के पश्चात युग्मनज का निर्माण करेंगे। यह हो गया हम लोगों का निषेचन। अब गाइस, निषेचन दो प्रकार का होता है, एक होता है संयुग्मन, एक होता है दोहरा निषेचन। गाइस, देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट सिंगोएमी और सेकेंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए हम लोग इसके पार्ट को लिखते हैं। निषेचन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट है हम लोगों का सिंगैमी। गाइस, जिसे हम लोग बोलते हैं सयुग्मन, और जो हम लोगों का दूसरा है वह है डबल फर्टिलाइजेशन। क्या है? डबल फर्टिलाइजेशन। हम लोगों का जो दूसरा है वह है डबल फर्टिलाइजेशन, जिसे हम लोग बोलते हैं दोहरा निषेचन।
गाइज देयर आर टू टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्स्ट सिंगेमी, सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन। तो आइए अब हम लोग बारी बारी से इनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो गाइज अब हम लोगों का जो पहला हेडिंग है वह है सिंगेमी। सिंगेमी जिसे हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन गाइस जो हम लोगों का पहला है वह है सिंगेमी जिसे हम लोग बोलते हैं स्वयुग्मन। स्वयुग्मन का खोज स्ट्रासबर्गर, इसके बारे में लिखते हैं पहला जो है इसको खोज किए थे स्ट्रासबर्गर 1884 ईस्वी में जो थे स्वयुग्मन का खोज स्ट्रासबर्गर जी किए थे। सिंगेमी की खोज स्ट्रासबर्गर जी किए थे। फिर इसका दूसरा पॉइंट है स्वयुग्मन में केवल एक मेल गैमेट का कार्य होता है। केवल एक मेल गैमेट का कार्य होता है। केवल एक मेल गैमेट का कार्य होता है। गाइस जो हम लोगों का यह है पहला, इसमें जो पॉइंट है ये सर्च वाइड द स्ट्रासबर्गर 1884। इसके पश्चात जो दूसरा है स्वयुग्मन में केवल एक मेल गैमेट का कार्य होता है। अब सिंगेमी से जो हम लोगों का तीसरा पॉइंट है सिंगेमी से प्राप्त जो जाइगोट होता है उसकी पोलरिटी 2N होती है। गाइड सिंगेमी से प्राप्त जो हम लोगों का जाइगोट होता है उसकी पोलरिटी 2N होती है। सिंगेमी से प्राप्त जाइगोट जाइगोट का पोलरिटी 2N होता है। सिंगेमी से प्राप्त जाइगोट का पोलरिटी 2N होता है। गाइस सिंगेमी से प्राप्त जाइगोट का पोलरिटी 2N होता है। क्यों होता है आइए हम लोग देखते हैं। आइए पहले हम लोग पुष्प का चित्र बनाते हैं। गाइस इसे हम लोग बोलते हैं स्टिग्मा, इसे हम लोग बोलते हैं स्टाइल, इसे हम लोग बोलते हैं ओवरी। फिर गाइस अब हम लोग यहाँ पे ओव्यूल्स का फिगर ड्रा कर दे रहे हैं। गाइज यह है हम लोगों का भ्रूणकोश जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक और यह है हम लोगों का ओव्यूल जिसे हम लोग बोलते हैं बीजांड। यह है हम लोगों का ओव्यूल। इसके पश्चात गाइज मान लीजिए यहाँ पर परागकण आ गया है क्योंकि यह जो क्रिया है यह परागकण का वर्तिकाग्र पर आने के पश्चात ही जो निषेचन की क्रिया होती है वह संपन्न होती है। तो मान लीजिए यहाँ पर हम लोग परागकण को ला दिए। यह परागकण का बाहरी आवरण जिसे हम लोग बोलते हैं एग्जाइन। यह परागकण का आंतरिक भाग जिसे हम लोग बोलते हैं इंटाइन। और यहां से अब पॉलन ट्यूब निकल रहा है। गाइज यहां से अब हम लोगों का जो है पॉलन ट्यूब वो यहां से आ रहा है। द वे ऑफ स्टाइल एंड इट इज कम एम्ब्रियो सैक। यह एम्ब्रियो सैक में आ गया। गाइज जैसे कि यह हम लोगों का परागकण है और यह हम लोगों का स्टिग्मा है इसे हम लोग बोलते हैं पॉलन ट्यूब जिसे बोलते हैं पराग नलिका। यह हम लोगों का पॉलन ट्यूब।
पालन ट्यूब तो जो यह परागकण है इससे दो मेल गैमिट होते हैं। जब धीरे धीरे यह हम लोगों का पालन ट्यूब बढ़ता रहता है स्टाइल से पोषण को पाकर, तो यह जो मेल गैमिट होते हैं यह धीरे 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 इससे आगे आते रहते हैं। फिर आगे आने के पश्चात ही यहाँ पर चले आते हैं एम्ब्रियो सैक में, भ्रूणकोष में। भ्रूणकोष में यहाँ पर होता है प्रतिध्रुवी केंद्रक, यहाँ पर होता है अंडकोशिका व सहायक कोशिका, और ये होता है इसे कहते हैं द्विध्रुवी केंद्रक, इसे बोलते हैं द्विध्रुवी केंद्रक, और इसे बोलते हैं प्रतिध्रुवी केंद्रक, और इसे बोलते हैं अंडकोशिका, और यहाँ पर होता है सहायक कोशिका। तो यह जो हम लोगों का यह है पालन ट्यूब बाई वे ऑफ ओव्यूल एंड कम एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक में आने के पश्चात यह इसका जो होता है पॉलन ट्यूब का भाग यह फूलकर नष्ट हो जाता है, तथा यहाँ पर जो ये पॉलन ग्रेन होते हैं वो यहाँ पर निकल जाते हैं। फिर यह जब पॉलन ग्रेन एक सेल से फर्टिलाइजेशन करता है तो जायगोट का निर्माण होता है। जब यह हम लोगों का मान लीजिए या इस यहाँ से आया, यह हम लोगों का क्या है मेल गैमेट, इसे हम लोग पॉलन ट्यूब से हम लोगों को मिला है। अब यह पॉलन ट्यूब से यहाँ पर अंडकोशिका है, यहाँ पर आया और फर्टिलाइज किया, इसके पश्चात जायगोट का निर्माण किया। तो जो हम लोगों का सिंगामी से प्राप्त जायगोट होता है या 2N होता है, तो जो हम लोगों का होता है एक सेल जिसे हम लोग बोलते हैं अंडकोशिका, यह हम लोगों का एक सेल यह मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज किया मेल गैमेट, इसे हम लोग बोलते हैं नर युग्मक। गाइस यह हम लोगों का एक सेल यह है मेल गैमेट। आफ्टर दैट फर्टिलाइज यह यहाँ पर आया और फर्टिलाइज की क्रिया को पूर्ण किया। फिर इसके पश्चात है यह यहाँ पर आया, फर्टिलाइज का जो क्रिया पूर्ण करेगा यहाँ पर जो होता है ट्रू फर्टिलाइज होता है, सत्य निषेचन होता है। यहाँ पर जो होता है ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं सत्य निषेचन। ट्रू फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पर युग्मक जायगोट का निर्माण होता है, जिसकी पोलरिटी 2N होती है, क्योंकि जो एक सेल है इसकी पोलरिटी N है, और जो हम लोगों का मेल गैमेट पॉलन ग्रेन है इसकी भी पोलरिटी N है। जब ये दोनों मिलेंगे तो 2N बनाएंगे। जब ये एक सेल मेल गैमेट से मिलेगा आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन में जायगोट बनेगा। यह गाइज हम लोगों का हो गया सिंगामी, स्वयुग्मन के बारे में कुछ पॉइंट वाला। इसका खोज स्टास बर्गर ने 1884 में किए थे। इसके पश्चात जो दूसरा है स्वयुग्मन में केवल एक मेल गैमेट की आवश्यकता होती है। फिर जो तीसरा है वह है सिंगामी से प्राप्त जायगोट 2N का होता है, इसकी पोलरिटी 2N होती है। अब कैसे होती है मैंने आप लोगों को यहाँ पर समझा दिया है। यहाँ पर जो मेल गैमेट आता है, दो मेल गैमेट आते हैं तो एक मेल गैमेट का कुछ काम नहीं होता है तो वह नष्ट हो जाता है। इसके पश्चात जो एक मेल गैमेट बचता है वह यहाँ पर आकर एक सेल से फर्टिलाइज की क्रिया करके यह 2N पोलरिटी वाला जायगोट बना देता है। गाइस यह हम लोगों का हो गया जो था सिंगामी स्वयुग्मन। अब आफ्टर दैट हम लोगों का जो दूसरा पॉइंट है वह है डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन। गाइस ये एग्जाम में 3 नंबर का पूछता है, यह एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पर विशेष फोकस करिएगा। निषेचन क्वेश्चन पूछेगा, निषेचन क्या होता है, निषेचन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। तो गाइस अब हम लोगों का सिंगामी हो गया, अब हम लोगों का जो दूसरा पॉइंट है वह है डबल फर्टिलाइजेशन। आइए हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। गाइस सिंगामी स्वयुग्मन का खोज जो किए थे वह स्टास बर्गर किए थे 1884 में। फिर इसके बाद अब हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। गाइस अब जो हम लोगों का टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। गाइस डबल फर्टिलाइजेशन का खोज जो किए थे डबल फर्टिलाइजेशन का खोज एस जी नवाचिन जी 1898 में किए थे।
जो हम लोगों का यह डबल फर्टिलाइजेशन है, इसकी खोज एस जी नवाजुद्दीन जी किए थे। एस जी नवाजुद्दीन 1898 में। जो गाइज हम लोगों का यह डबल फर्टिलाइजेशन दोहरा निषेचन है, इसका खोज एसजी नवाजुद्दीन 1898 में किए थे। वह लिलियम ऑफ फ्रिटिलेरिया के पौधों में, लिलियम व फ्रिटिलेरिया के पौधों में। गाइज यह जो हम लोगों का है डबल फर्टिलाइजेशन में पहला पॉइंट है, इसका खोज एसजी नवाजुद्दीन जी 1898 में किए थे। वह लिलियम ऑफ फ्रिटिलेरिया के पादपों में इसका खोज किए थे। इसके पश्चात अब जो हम लोगों का दूसरा पॉइंट है, इसमें दो मेल गैमेट फर्टिलाइज करते हैं। इसमें दो नर युग्मक आकर संलयन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। तो गाइस आइए अब हम आप लोगों को यहाँ पर चित्र के माध्यम समझाते हैं जो एम्ब्रियो सेल का, इसका आकार थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ताकि समझने में आसानी हो। यह हम लोगों का हो गया एंटीपोडल न्यूक्लियस और यह होगा प्रतिध्रुवी केंद्रक और यहाँ पर एक हो गया सहायक कोशिका व अंड कोशिका। इन दोनों को हम लोग बोलेंगे सहायक कोशिका, हेल्पर सेल एंड इट इज एग सेल। एंड इट इज एंटीपोलर न्यूक्लियस। गाइस यह हम लोगों का हो गया है। अब जो हम लोगों का यह पॉइंट चल रहा है यह है डबल फर्टिलाइजेशन का। तो यहाँ से जो ये पॉलन ट्यूब होता है, यहाँ से 2 मेल गैमेट आते हैं और दोनों मेल गैमेट एम्ब्रियो सैक में आने के बाद यहाँ पर जो ये पॉलन ट्यूब होता है इसका सिरा फट जाता है और ये दोनों जो पॉलन ट्यूब होते हैं अपने कोशिका द्रव्य के साथ जो पॉलन सैक होता है इसमें रिलीज हो जाते हैं। गाइस एक बार फिर से जो यह हम लोगों का यह पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब से 2 मेल गैमेट आते हैं बाय वे ऑफ स्टाइल एंड जब ये यहाँ एम्ब्रियो सैक में आते हैं तो ये जो आप हम लोगों का पॉलन ट्यूब का सिरा है, ये पॉलन ट्यूब का सिरा अब फट जाता है तथा यहाँ पर ये जो दोनों मेल गैमेट है ये अपने दोनों कोशिका द्रव्य के साथ एम्ब्रियो सैक में रिलीज हो जाते हैं। मान लीजिए यह हम लोगों का जो है पॉलन ट्यूब का सिरा फट गया, यहाँ पर एक मेल गैमेट यहाँ आया या इसके चारों तरफ कोशिका द्रव्य का आवरण है तो जो इसमें ये पहला मेल गैमेट है यह आकर एक सेल से फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो का निर्माण करेगा तथा जो दूसरा मेल गैमेट है यह जाकर द्विध्रुवी केंद्रक से जाकर फर्टिलाइज करके प्राथमिक इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है जो आगे चलकर भ्रूणपोष का निर्माण करता है। उस पूरी प्रक्रिया को त्रिसंकेन कहते हैं। तो गाइस आइए हम लोग लिखते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए। जो यह पॉलन ट्यूब है यह जब एम्ब्रियो सैक भ्रूणकोश में आ जाता है तो इसका सिरा जो है फट गया तथा यहाँ पर जो 2 मेल गैमेट थे ये दोनों रिलीज हो गए। तो जो पहला मेल गैमेट है वह एक सेल से फर्टिलाइज किया, इसके बाद जायगोट का निर्माण
मार कर दिया, इस जायगोट की जो पोलैरिटी होगी वह 2n होगी। इसके पश्चात जब जो दूसरा मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट यहाँ पर आया, यह जो मेल गैमेट है यह सेकेंडरी सेल के पास आ गया, इसका हम लोग नाम नहीं लिखे, लिख देते हैं, इसे बोलते हैं सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल द्वितीय कोशिका। इसकी पोलैरिटी 2n होती है, इसकी पोलैरिटी 2n होती है। तो गाइस जो दूसरा मेल गैमेट है यहाँ आ गया हम लोगों के सेकेंडरी सेल के पास, इससे फर्टिलाइज करके त्रिगुणित त्रिगुणित कोशिका का निर्माण कर देता है, जो आगे चलकर एक भ्रूणपोष कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी इंडिस्पर्मिक न्यूक्लियस, प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस। तो गाइस आइए अब हम लोग लिखते हैं इसमें एक सबसे बड़ी विशेषता, इसमें दो मेल गैमेट की आवश्यकता होती है। तो जो पहला मेल गैमेट है, जो फर्स्ट मेल गैमेट है, वह जाकर एक सेल से फर्टिलाइज की क्रिया करेगा, एक सेल प्लस फर्स्ट मेल गैमेट प्लस फर्स्ट मेल गैमेट आफ्टर दैट फर्टिलाइज, यहाँ पर ये सब फर्टिलाइज की क्रिया किए, फर्टिलाइज की क्रिया करें, इसके पश्चात यहाँ पर जाइगोट का निर्माण कर दिए, इसके पश्चात ही यहाँ पर जाइगोट का निर्माण कर दिए। गाइज एक सेल फिर प्लस फर्स्ट मेल गैमेट आफ्टर दैट फर्टिलाइज, ये जाइगोट का निर्माण कर दिए, और यहाँ पर जो जाइगोट है इसकी पोलैरिटी 2n है, 2n है, क्यों? बिकॉज जो एक सेल है इसकी पोलैरिटी n है, एंड जो फर्स्ट मेल गैमेट है इसकी पोलैरिटी भी n है। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन दे आर एड एंड पोलैरिटी जो हो जाएगी वह 2n हो जाएगी। गाइस यह जो है पहला मेल गैमेट है, जो पहला मेल गैमेट है वह एक सेल अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइजेशन की क्रिया करके जाइगोट का निर्माण करता है, जो उस जाइगोट का निर्माण होता है उसकी पोलैरिटी 2n होती है। फिर आइए अब हम लोगों का अब जो दूसरा मेल गैमेट है, यहाँ पे दो मेल गैमेट आया, पहला एक सेल के पास आया है, दूसरा सेकेंडरी सेल के पास गया है। तो आइए अब हम लोग उसके बारे में लिखते हैं, जो हम लोगों का दूसरा सेल है वह सेकेंडरी सेल के पास गया, सेकेंडरी सेल प्लस सेकंड मेल गैमेट फर्टिलाइज की क्रिया यहाँ पे किया ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया, यहाँ पर यह ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस का निर्माण कर दिया। यह ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस आगे चलकर, यह जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस है यह आगे चलकर प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस इसे हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं पेन। गाइस जो हम लोगों का दूसरा है सेकेंडरी सेल, वह सेकेंडरी सेल के पास गया, फिर उससे फर्टिलाइज की क्रिया किया, इसके पश्चात ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बनाया, क्यों? क्योंकि जो सेकेंडरी सेल होता है इसकी पोलैरिटी 2n होती है, और जो सेकंड मेल गैमेट है इसकी पोलैरिटी n होती है। फिर जब फर्टिलाइज की क्रिया हुआ तो जो ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस बना इसको हम लोग 3n से डिनोट करते हैं, तो यह सेकेंडरी सेल की पोलैरिटी 2n है और दूसरे मेल गैमेट की पोलैरिटी n है। तो जब यह फर्टिलाइज की क्रिया किया तो त्रिगुणित ट्रिप्लॉयड न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण किया, यह त्रिगुणित केंद्रक आगे चलकर प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस पेन का निर्माण करेगा, फिर यह जो है प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस या आगे चल के इंडोस्पर्म भ्रूणकोष का निर्माण करेगा, या आगे चलकर इंडोस्पर्म जिसे हम लोग भ्रूणकोष बोलते हैं,
यह आगे चलकर भ्रूणकोष का निर्माण करेगा। तो गाइस सेकेंडरी सेल द्वितीय कोशिका दूसरे मेल गैमेट के साथ फर्टिलाइज की क्रिया करके त्रिगुणित न्यूक्लियस व प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका, इसका हिंदी होता है प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका। गाइस यह जो हम लोगों का है ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस का निर्माण किया, फिर यह वृद्धि करके प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करेगा, फिर यह आगे चलकर एंडोस्पर्म भ्रूणकोष का निर्माण करेगा। तो गाइस यह हो गया हम लोगों का डबल फर्टिलाइजेशन की क्रिया। डबल फर्टिलाइजेशन क्रिया के बारे में आइए फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, इसका खोज एजी नवाजुद्दीन जी 1898 में लीलियम व फ्रिटेलेरिया के पादपों में के पादपों में किए थे। गाय जो पहला पॉइंट है वह है इसके बारे में खोज एसजी नवाजुद्दीन जी 1898 में लीलियम ऑफ फिटेलेरिया के पादपों में किए थे। वह दोहरा निषेचन, इससे यह क्लियर हो जा रहा है दोहरा मतलब दो, तो इसमें दो नर युग्मक आकर संलयन की क्रिया को पूर्ण करते हैं। जो पहला मेल गैमेट होता है वो एक सेल के पास आकर एक सेल के पास आकर जायगोट का निर्माण करता है जिसकी पोलरिटी 2N होती है। फिर इसके पश्चात जो हम लोगों का दूसरा मेल गैमेट होता है वह सेकेंडरी सेल के पास आकर फर्टिलाइज की क्रिया करके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस त्रिगुणित केंद्रक का निर्माण करता है, फिर जो आगे वृद्धि करके प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्राथमिक भ्रूणकोष कोशिका का निर्माण करता है, फिर यह आगे चल के एंडोस्पर्म भ्रूणकोष का निर्माण करता है। तो गाइस यह हम लोगों का फर्टिलाइजेशन में सिंगेमी व डबल फर्टिलाइजेशन की दोनों की क्रिया पूर्ण हो गई। तो गाइस आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। आफ्टर दैट फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स डेवलप्स इनटू सीड एंड वॉल्स ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन के बाद जो हम लोगों का बीजांड होता है वह बीज में परिपक्व हो जाता है, और जो उसका दीवाले होती हैं जो उसके चारों तरफ लगी होती हैं वह फल में परिपक्व हो जाता है। तो गाइस यह हम लोगों का निषेचन की क्रिया हो गया है, यह एग्जाम के दृष्टि से मेन है, इसे आप लोग ध्यान कीजिएगा, आप लोग इसे याद कीजिएगा। यह एग्जाम में 3 नंबर का प्रश्न लेकर आता है क्वेश्चन की निषेचन की क्रिया क्या है, निषेचन की क्रिया क्या है इसका सचित वर्णन कीजिए, या निषेचन में त्रिसंलयन की क्रिया क्या है, तो त्रिसंलयन की क्रिया ये है, तो इसको हम लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा। तो गाइस आई होप अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, समझ में आया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, वह चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर से मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।